बोलो। तो प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करते हैं, और ये हमारा लिथियम आयन का क्वेश्चन चल रहा था। सो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन विच ट्रांजिशन मिनिमम एनर्जी फोटोन इज इमिटेड। ओके, तो ये तो प्रीवियस क्लास में डिसाइड हो चुका है कि हम लोग किस काम के किसको कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन किस आयन के लिए थे बोलो। हाँ अदिति, कौन से आयन के लिए काम कर रहे थे हम लोग? लिथियम लिथियम आयन के। लिथियम का जेड कितना होता है? थ्री 3 होता है। चार्ज कितना होगा उसके ऊपर में? -2 सॉरी +2 +2 चार्ज होगा, और जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, तो ये हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। नाउ व्हाट वी कैन डिस्कस, मैंने पूछा है तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। इसमें मुझे ऑप्शन था, ऑप्शन देने थे, एन इक्वल टू 2, 2, एन इक्वल टू 1, और एन इक्वल टू 3, 2, एन इक्वल टू 1, 3, 2, 2 है ना, और एक है एन इक्वल टू 4, 2, एन इक्वल टू 3, और एक ऑप्शन है एन इक्वल टू 5, 2, एन इक्वल टू 4। आपको क्या लगता है किस ट्रांजिशन में मिनिमम एनर्जी का फोटोन इमिट होगा? कौन से ट्रांजिशन में मिनिमम एनर्जी फोटोन इमिट होगा? इन विच ट्रांजिशन द मिनिमम एनर्जी फोटोन इज इमिटेड? सर। हाँ सर अभी आपने पिछले 10-20 सेकंड में क्या कराया सर? मम्मा ने बुला लिया था। अच्छा, सो मैं ये क्वेश्चन ही लिखा है बस बेटा, और कुछ नहीं लिखा। इन विच ट्रांजिशन मिनिमम एनर्जी फोटोन इज इमिटेड, ओनली दिस, ये क्वेश्चन लिखा है। बस यही बताया था कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मैंने बोला कि हम लोग लिथियम आयन वाले क्वेश्चन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे 7 पार्ट हो गए थे, हम लोग इससे क्वेश्चन नंबर 8 कह सकते हैं। यही मैंने बोला हुआ है। सो ये क्वेश्चन है हमारा, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए। 2 मिनट हैं आपके पास, बताइए। आपको एनर्जी लेवल डायग्राम याद है सब लोगों को? एनर्जी लेवल डायग्राम याद है? हाँ, जैसे जैसे आप एनर्जीज में ऊपर जाते थे, एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 जैसे जाते थे, एनर्जी की वैल्यूज कैसी होती जाती थी? बढ़ रही थी कम होती जा रही थी, निगेटिव में कम होती जा रही थी, नेगेटिव में कम। निगेटिव में वैसे बढ़ेंगी, है ना, वैसे बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन निगेटिव में वैल्यूज जो होंगी वो कम होती जाती है, और इसीलिए क्या होता है उनके जो डिफरेंसेज होते हैं वो भी मैंने, अगर आप इस डायग्राम को देखो, इस एनर्जी लेवल डायग्राम को देखो, तो शुरुआत में मैंने डिफरेंसेज एन इक्वल टू 1 और 2 के बीच की जो 2 लाइनें बनाई हैं उनके डिफरेंस को बड़ा दिखाया है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं डिफरेंस क्या करता जा रहा हूँ, 2 लाइनों के बीच का जो सेपरेशन है वो मैं कम करता चला जा रहा हूँ, है ना। ये एक मेथड सजेस्ट किया है लोगों ने, क्योंकि एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करने का, समझ में आया कि मतलब जहां पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा वहां पे 2 लाइन के बीच में सेपरेशन ज्यादा, तो मैं लगातार सेपरेशन कम करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाना चाहिए कि सबसे बड़ा डिफरेंस किसके बीच में आएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो ना, जैसे जैसे आप एनर्जी स्टेट में ऊपर जाते जा रहे हो, वैसे वैसे एनर्जी स्टेट के आपस के जो कंसेक्यूटिव जो है ना, जो है ना, जैसे 2 और 4 है, 2 और 3 है, 5 और 6 है, 7 और 8 है, 9 और 10 है, 20, 21 है, उनके बीच के डिफरेंसेस क्या होते जा रहे हैं बोलो, क्या होते जा रहे हैं? जैसे यहाँ पे एन इक्वल टू 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना था बोलो? एन इक्वल टू 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना था? 10.2 10.2 था। और 2 और 3 के बीच का डिफरेंस, ये 10.2 नहीं दिख रहा है, ये वाला 1.9 था। 1.9 था, ये 2 और 3 के बीच का डिफरेंस। और 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना था? 0.65। 0.65। तो जो, क्योंकि ये वैल्यूज भी तो कम होती जा रही है ना यार, एन इक्वल वैल्यू कितनी है? 3.4। एन इक्वल 3 में कितनी है? 1.5। ऊपर जाने पे एनर्जी स्टेट और उनके डिफरेंसेस दोनों की वैल्यूज क्या होती जाती हैं? कम होती जाती हैं। ठीक है, आ रहा है बात समझ में सबको? अदिति समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का, मेरे क्वेश्चन का? यस शिवांक, यस, व्हाट हैपेंड शिवांक? यस शिवांक, मैंने माइक ओपन कर दिया नीचे। शिवांक कुछ पूछ रहा है क्या? नो सर, बस माइक के लिए कह रहा था। माइक के लिए कर रहा था, ठीक है। पुष्पक समझ में आया बेटा? पुष्पक सर, युवा समझ में आई ना? किस
कि जैसे जैसे हम एनर्जी में क्या जा रहा है, ऊपर जाते जा रहे हैं ना, ये वैल्यूज जो है ना एनर्जी स्टेट की जो वैल्यू, इस वाले लेक्चर में थे नहीं थे तुम? हेलो, उस वक्त थे या नहीं थे इस लेक्चर में? हाँ सर, कौन सा लेक्चर में सर? ये वाला, ये जो जिसमें एनर्जी स्टेट बताया। हाँ सर, था है ना। तो वैसे ही है इसमें, इस वाले एनर्जी जो मैंने बता रहा हूँ, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो, देखो आप ये वैल्यूज कम होती जा रही है कि नहीं होती जा रही, 1.5 होता जा रहा है, माइनस का 0.85 होता जा रहा है, ये होता जा रहा है। तो ऊपर जाने पे ये आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगा कि जितनी जब हायर ऑर्बिट में ऊपर जाते जाओगे, उतना ही एनर्जी स्टेट के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाएगा, है ना, वो डिफरेंस कम होता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर पाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप कर पाएगा। शुरुआत में उसको जंप करने में थोड़ा ज्यादा एनर्जी लेते हैं, जैसे जैसे एनर्जी स्टेट में ऊपर चले जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, वो आसानी से क्या करेगा, ये जो है ना आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। जो हमारे 12th के स्टूडेंट इस समय क्लास हमारी अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा, उनको एक स्टेटमेंट यहाँ दूंगा तो उनको फायदा हो जाएगा, 11th वालों को बाद में समझ में आ जाएगा। आपको याद होगा जो 12th के स्टूडेंट इस समय क्लास में है वो सुन लें, हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में 3D और 4S ऑर्बिटल जो होती है उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांजिशन कर लेता है, इसीलिए कर पाता है क्योंकि 3D और 4S के बीच के एनर्जी डिफरेंसेस क्या होंगे, कम होंगे। और जैसे जैसे आप और ऊपर जाओगे, 4, 5, 6 वगैरह में ऊपर जाओगे, एनर्जी स्टेट और भी डिफरेंसेस कम और भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी लोअर ऑर्बिट में और हायर ऑर्बिट में दोनों में मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अथर्व, ठीक है, यू आर इन 12th, समझ में आई बात मेरी? अथर्व, अरुण, यस सर, अरुण, शिवांग, के सबको, ऋषि, सबको समझ में आ गई ना मेरी बात वाली? यस सर, आ गई, ना। जैसे जैसे एनर्जी स्टेट टू पर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट मर्ज होते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, उनकी बाहर वाली ऑर्बिटल और अंदर वाली ऑर्बिटल दोनों को हम लोग क्या मानते हैं, वैलेंस शेल मानते हैं, ठीक है, ओके। 11th वाले स्टूडेंट को अभी कोई इससे वास्ता नहीं है, मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का, अभी आंसर 11th वाले देंगे, 12th वाले स्टूडेंट नहीं देंगे इसका आंसर। सर डी, सर डी लग रहा है। सर डी आएगा। पुष्पक, आंसर? हाँ सर, डी आएगा। डी आएगा ना, वेरी गुड, तो यही आंसर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, ओके, डन, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, और ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मतलब वो वाला कराते हैं, और मैंने हाइपोथेटिकल स्पीसीज ले रहा हूँ, और कभी कर हाइपोथेटिकल स्पीसीज आ जाता है तो उनके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाया है मैंने, मैंने वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में पहले तुम लोगों को सिखा रखा है, सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ताकि आप उसको दोबारा रिवाइज करो तो तुमको याद आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ अलग है, ये लिथियम का क्वेश्चन नहीं है, ये अलग है, यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, सारा कुछ मेरे ख्याल से सब कुछ हो ही गया, लगभग हर तरीके का एक क्वेश्चन एक एक कर लिया, फिर मेरे पास बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा बहुत सारे तो मैं, मेरे पास जो कलेक्शन है क्वेश्चंस का एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो मुझे देना है, अभी मैंने बहुत अच्छे न्यूमेरिकल का कलेक्शन है तो फिर मैं वो दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोथेटिकल लिखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसने लेक्चर देखा होगा उसको समझ में आया होगा। हाइपोथेटिकल एच लाइक एटम है first excitation energy equal to 27 electron volt, find, में पहला पार्ट है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस हाइपोथेटिकल एच लाइक स्पीसीज, सेकंड जो है ना वो है टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये है, यस,
गुड इवनिंग हर्षदीप, गुड इवनिंग, वेलकम। सो ये जो है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अ हाइपोथेटिकल एच लाइक एटम हैव फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड एनर्जी एनर्जी ऑफ दिस हाइपोथेटिकल एच लाइक स्पीसीज, है ना, बताना है। और क्या बताना है? टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी की वैल्यू बतानी है, कॉमन लगा हुआ है, टोटल एनर्जी बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, और काइनेटिक एनर्जी बतानी है किसकी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की। आवाज आवाज ठीक आ रही? कम तो नहीं आ रही ना? वॉइस क्लियर है सबको? सर बेटर है। बेटर है ना, ठीक है। अभी सही है या पहले सही थी? शुरू से ही सही आ रही है। ठीक आ रही ना, ठीक है, बस ठीक है। तो इतना ही बोलना है ना मुझे बस। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसमें हाइपोथेटिकल स्पीसीज पे काम कैसे करोगे। तो अभी तक तो क्या होता था कि मैंने आपको एच और एच लाइक स्पीसीज पे काम करना सिखा दिया था। कि अगर हमने क्या किए थे, हमने क्या किया था, हमने जो हमारा एच एटम था, उस एच एटम के हमने एनर्जी स्टेट क्या कर लिए थे, बोलो। इस एच एटम के हमने एनर्जी स्टेट क्या कर लिए थे? हाँ, मेमोराइज कर लिए ना, सबने कर लिए। इस एच एटम के और एच लाइक के क्या करोगे, इंटू जेड स्क्वायर कर दोगे, और डिफरेंसेस भी क्या होंगे, इंटू जेड स्क्वायर से मॉडिफाई हो जाएंगे। तो ये एक अपना एक अच्छा डिस्कशन इस वाले पार्ट पे हुआ। इस पे कुछ बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए, है ना, ये कर लिए। लेकिन अगर हमारे पास हाइपोथेटिकल आ जाएगा तब कैसे करोगे, है ना। तो उसका तरीका मैं आपको समझाता हूँ कैसे हाइपोथेटिकल वाले में काम करना है। इवन ये आपको क्या करेगा, ये आपको एच लाइक वाले में भी काम करने में आसानी, क्योंकि आप एक तरह से एच लाइक वाले को भी क्या मान सकते हो, हाइपोथेटिकल मान सकते हो। तो एक तो स्टूडेंट क्या करेगा, ऐसा कुछ करना चाहेगा, उसके पास किस चीज का डेटा है अदिति, किस चीज का डेटा है अपने पास क्वेश्चन में? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 27 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो सबसे पहले हम किसके लिए, किसका अपना अपने माइंड में किसके लिए काम करेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन एच के लिए काम करेंगे। तो एच एटम का मुझे आप फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बता सकते हैं? सर 3.4। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 3.45। प्रेक्षा, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है एच एटम की? व्हाट इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी? 10.2। क्या मीटर पर सेकंड? नहीं सर। फिर क्या? 10.2 क्या? किलोग्राम? सर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ, पूरा बोला करो, पूरा यूनिट बोला करो, ठीक है। तो 10.2 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आ रही है, फर्स्ट एक्साइटेशन। तो सबसे पहले अपने माइंड में क्या क्रिएट किया, एच एटम के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एच एटम आपने बताया कि सर मुझे जो मेमोराइज है वो एच एटम का मेमोराइज है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर कोई एच लाइक स्पीसीज है, भले वो हाइपोथेटिकल क्यों ना बनी रहे, ठीक है ना, वो अगर आकर हाइपोथेटिकल है तो भी कोई समस्या नहीं है, उसका कुछ ना कुछ तो एटॉमिक नंबर होगा, यस। तो मैं मान लेता हूँ इस हाइपोथेटिकल एच लाइक स्पीसीज का एटॉमिक नंबर जेड है। तो इस हाइपोथेटिकल एच लाइक स्पीसीज का अगर एटॉमिक नंबर हमने जेड मान लिया है, तो इसका फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितना हो जाएगा? पुष्पक, इसका फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितना हो जाएगा एच लाइक स्पीसीज का, हाइपोथेटिकल, जिसका एटॉमिक नंबर जेड है? व्हाट इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, क्या था, कैसे निकाला 10.2? सर वो 13. वो फर्स्ट जो है ना माइनस 13.6 में से वो सेकंड वाले 3.4 से माइनस करेंगे तो 10.2। तो डिफरेंस है ये, फर्स्ट आपको बोलना, ऐसे बोलना चाहिए सर, ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट और सेकंड एनर्जी स्टेट का जो है ना वो डिफरेंस है 10.2 है। तो एच लाइक स्पीसीज में डिफरेंसेस भी किससे मॉडिफाई हो जाते हैं, किससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं? जेड स्क्वायर से हो जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगा, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइपोथेटिकल है ना, ऑफ हाइपोथेटिकल एच लाइक स्पीसीज जो होगा वो कितना हो जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो तुमने बनाया है, तुम्हें क्वेश्चन में कितना दिया परीक्षा?
27 दोनों आपस में क्या कर दिए जाए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या 27 कर दिया जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जब तुम जेड स्क्वायर निकालोगे तो 27 डिवाइड बाय 10.2 डिवीजन आएगा. ये तुमको होल नंबर में नहीं आएगा, ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है ना. जेड स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो होल नंबर, जेड स्क्वायर की वैल्यू वैसे नहीं आएगी, मतलब इसका इसका आप स्क्वायर नहीं ले पाओगे, है ना. ठीक है, इसका आप स्क्वायर जो है ना, इसका आप स्क्वायर नहीं ले पाओगे, इसलिए क्या होगा स्क्वायर रूट नहीं ले पाओगे. ओके यस ठीक है. तो इसका जो है ना वो आप जो है ना वो आप इसका स्क्वायर नहीं ले सकते. ठीक है, तो जब आप इसका स्क्वायर नहीं ले पाओगे तो प्रॉब्लम थोड़ा सा रहेगा. लेकिन आप अपने को क्या जेड स्क्वायर से ही मतलब था, मतलब इसीलिए ये हाइपोथेटिकल बोला गया. तुम लोगों को फील आया ये हाइपोथेटिकल क्यों बोला गया? ये जो आप जब रेशियो लाओगे ना, पता है कितना 2.64 आ रहा है. ओके, और इस 2.64 का अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ, 2.64 का मैं अंडर रूट लेता हूँ तो मेरे को जेड की वैल्यू निकल के आती 1.529. इस तरीके का जेड होता ही नहीं है. ठीक है, तो ऐसा हाइपोथेटिकल स्पीसीज. तो या तो आप यही जेड लेके आप काम कर दो. मैंने आपसे क्या पूछा है इसमें, बोलो क्या पूछा है पहले पार्ट में, क्या पूछा है बोलो. आयनाइजेशन एनर्जी पूछे. हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है. तो तुम सबसे पहले किसकी किसकी जानोगे आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले कहाँ पहुंचोगे? हाइपोथेटिकल एच लाइक स्पीशीज का कैलकुलेट करना. तो पहले किसका देखते हो, पहले माइंड में किसका आएगा? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का आंसर जी बताओ. एच एटम का, एच एटम का आयनाइजेशन एनर्जी बताओ. बोलो 10.2. अरे यार, हाइड्रोजन का फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 10.2. आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा एच एटम का? प्लस में होगा. प्लस में कितना होगा? क्या होता है? अरे क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू टू ग्राउंड स्टेट टू 0.18. हाँ, तो ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पे कितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की? ग्राउंड स्टेट पे कितनी एनर्जी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इन्फिनिटी पे कितनी है? जीरो. तो क्या करो, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? +13.6. तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन एनर्जी. किसका? एच एटम. तो एच लाइक का कितना होगा? इनटू जेड स्क्वायर. जेड स्क्वायर की वैल्यू पता है तुमको कितनी है? हां सर, कितनी है? 2.64 है ना. ये कैलकुलेट हो चुकी है, हो चुकी है. स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है स्क्रीन? हां यस सर. तो 2.64 जो है ना मल्टीप्लाई करो आ जाएगा, है ना. कर लोगे ना इस तरीके से? हां तो ये एक पहला मेथड है. लेकिन ये मेथड में जो है ना कैलकुलेशन ज्यादा है और मैं इसे अच्छा मेथड नहीं मानता हूं. मजा नहीं आया मुझे इसमें, है ना. इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को, आगे इसको भी कर सकते हो. सेकेंड पार्ट को टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब भी निकाल के इनटू जेड स्क्वायर कर देना. एच एटम के निकालना पहले, फिर इनटू जेड स्क्वायर कर देना, सब आंसर आ जाएंगे. ठीक है, आ रहे बात समझ में तुम लोगों को? यस. नहीं सर, मेरे नहीं आया. क्या क्या नहीं आया? पहला पॉइंट, पहला वाला आया नहीं आया समझ में? आ गया सर. तो दूसरा वाला भी आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? फोर्थ बोर एटॉमिक फोर्स. हाँ, फोर्थ में क्या करो, एच एटम के टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे? कर लोगे? यस सर. इनको इनटू जेड स्क्वायर कर देना तो इसकी आ जाएगी, एच लाइक की आ जाएगी. यस सर. आयती? यस सर. आ जाएगी ना? यस सर. अब मैं तुम्हें सेकंड मेथड बताता हूँ, है ना. ठीक है, अब मैं तुम्हें सेकंड मेथड बताता हूँ जो और अच्छा मेथड है, जिसको तुम लोगों को फॉलो करना चाहिए. एक तो ये मेथड, इससे तो हो ही जाएगा जो करा भी सिखाया है. ये समझ में आ गया? नहीं आ गया 100%? आ गया ना 100% समझ में, है ना. सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या आई थी इसकी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जेड स्क्वायर. जेड स्क्वायर अपने पास ये लिखा हुआ है 2.64. ओके सर. ठीक है, ये अपन ने यहां से निकाला था, ये कैलकुलेट किया था. प्रेक्षा समझ में आ गया? यस सर. ये समझ में आ गया ना पूरा? अब सेकंड मेथड सुनो.
सेकेंड मेथड में मैं कहता हूँ कि भाई हम लोगों ने जो एच एटम के एनर्जी स्टेट लिखे थे वो इस वाले फॉर्मूले से लिखे थे माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे लिखे थे, बोलो या नहीं? यस सर, इसीलिए से लिखे थे। जब एच एटम लिया था तब जेड का वैल्यू कितना ले लिया था, 1 ले लिया था, यस और नो? बोलो यस तो बोलो यार। यस सर, एच एटम के लिए, एच एटम के लिए क्या था, जेड की वैल्यू 1 ले ली थी, लेकिन हमेशा जेड एच एटम थोड़ी ना दिया जाएगा आपको, तो एच एटम तो हमें पता थोड़ी रहता जेड कितना आएगा। हम एक काम करते हैं ना, इस वाली वैल्यू ये कुछ भी आए, ये न्यूमरेटर हमेशा कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा, जो भी स्पीसीज आएगी, अगर लिथियम आया तो लिथियम के लिए जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर कितना 9 इनटू 13.6 हमेशा ऊपर, न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा। केवल एनर्जी स्टेट में बदलता क्या है, एन की वैल्यू, एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या जब टोटल एनर्जी की वैल्यूज लिखते हो तो न्यूमरेटर चेंज होगा क्या टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में? किसी के लिए भी काम करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एच एटम, किसी के लिए भी काम करो, क्या एच एटम जो है ना, एच एटम के लिए है ना, एच एटम के लिए जो है ना ये आ जाएगा क्या, बोलो? सर मतलब न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज कर लेना, 1.62 आएगा यहाँ पे, 5 लिख दिया, ठीक है, कर दिया सही। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूमरेटर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आप चाहे एच एटम के लिए काम करो चाहे एच लाइक के लिए काम करो, एनर्जी स्टेट में केवल एन की वैल्यू बदलती है, वो भी कहां से बदलती है, एन इक्वल टू 1 से लेके कहां तक जाएगी, एन इक्वल टू इनफिनिटी तक जाएगी। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलो? हाँ बोलो, अगर यस बोलोगे तभी मैं आगे बताऊंगा, सभी लोगों को यस बोलना जितने भी 11th के स्टूडेंट हैं। यस सर। तो मैं एक काम करता हूं यार, मैं इस टोटल एनर्जी के फॉर्मूले को ऐसे ही लिख सकता हूं क्या, बोलो? माइनस ई बाई एन स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं क्या? व्हाट इज ई, ई की वैल्यू कैसे आएगी, एन इक्वल टू 1 पुट कर दो। यस सर, ई किसके बराबर है, ई जो है ना वो किसके बराबर है, वो बराबर है जेड स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इस बराबर है। ऐसा ऐसा कब करना है, जब अपने पास जेड नहीं पता है ठीक से, अपने को जेड की वैल्यू नहीं मालूम है, जेड की वैल्यू अगर अपने को अगर पूरा होल नंबर में आ जाए तब तो समस्या नहीं होती, जल्दी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जैसा यहाँ पे जेड आ रहा है इस तरीके का हाइपोथेटिकल में, तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके से काम कर लो, ई बाई एन स्क्वायर कर लो। ई क्या है सर? ई जो है, ई की वैल्यू ये है ना 13.6 इनटू जेड स्क्वायर, कुछ मान लिया इसको, ई बोलो, इसके अंदर जेड अपने आप इंक्लूडेड है। कभी कभी आपको ये जो न्यूमरेटर था ना जेड स्क्वायर टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो अपन ये एक्साइटेशन एनर्जी ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटल एनर्जी का नया फॉर्मूला बनाया है, नए तरीके से बनाया है। मैं ये फॉर्मूला मैं कब यूज करता हूँ भाई, मेरे पास मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला मैं तब यूज करता हूँ जब मुझे जेड जेड पता हो, या मुझे जेड कैलकुलेट करने में इंटरेस्ट हो, लेकिन अगर स्पीसीज हाइपोथेटिकल है तो मेरे को जेड को कैलकुलेट करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला? ये फर्स्ट है, सेकंड है, उस पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा अगर मुझे जेड कैलकुलेट करने में इंटरेस्ट नहीं है तो? अगर मुझे जेड कैलकुलेट करने में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? उस पर आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, ठीक है, मुझे लगता आवाज नहीं आ रही, सेकंड वाला फॉर्मूला आएगा, सेकंड वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है, गुड। तो इसके बाद क्या करना है अपने को, यहाँ पर किस तरीके से यूज करोगे, ऐसे यूज करोगे, एन इक्वल टू 1 में क्या लिखोगे बोलो, सेकंड वाले फॉर्मूले से यहाँ पे माइनस ई लिखा जाएगा, एन इक्वल टू में क्या लिखोगे बोलो, माइनस ई बाई 4 लिखोगे, एन इक्वल टू 3 में क्या लिखोगे, माइनस ई बाई 9 लिखोगे, एन इक्वल टू 4 में क्या लिखोगे, माइनस ई बाई 16 लिखोगे, ठीक है, एन इक्वल टू 5 में क्या लिखोगे, माइनस ई बाई 25 लिखोगे,
ये एक बेसिक ट्रिक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट का काम है जो वो ऐसे करेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया था तुम लोगों को, हाँ इस क्वेश्चन में क्या दिया था बोलो, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेजना है, वन से टू में, बहुत माइक में डिस्टरबेंस आ रहा है, एकांश क्या हुआ है ना, कहां भेजना है, वन से कहां भेजना है बोलो, वन से टू में भेजना है, कोई बोल ही रहा है, अदिति, प्रेक्षा, हर्ष, जिज्ञासु है ना, बोलो भाई कोई तो बोले, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेजना है, इलेक्ट्रॉन को अपने को n इक्वल टू वन से n इक्वल टू में भेजना है, ये इसका फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आ जाएगा। तो मुझे बताएंगे डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से यहाँ चेंज होने में, यहाँ कितनी एनर्जी थी माइनस ई के बराबर, यहाँ कितनी थी माइनस ई बाय फोर, और डेल्टा ई कितना हो जाएगा, चेंज निकालने का तरीका है चेंज आपका पॉजिटिव आएगा, या तो आप माइनस साइन हटा के माइनस कर लो जैसा भी है, ठीक है, चेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा, या फिर चेंज जो लिखना है डेल्टा ई जो लिखना है वो हमेशा ई टू माइनस ई वन लिखना है, ध्यान रखिएगा ई टू कितना है माइनस ई बाई फोर और ई वन कितना है माइनस ई, सो दैट बिकम द माइनस ई बाई फोर प्लस ई, सो दैट बिकम थ्री बाई फोर, ये डेल्टा ई होगा। या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने माइंड में ये वाले माइनस को क्या करता हूँ हटा लेता हूँ, ये वाले माइनस को अपने माइंड में हटा लेता हूँ और इनको मैग्नीट्यूड को माइनस कर लेता हूँ, ई और ई बाई फोर कितना हो जाएगा थ्री ई बाई फोर आ जाएगा, यस नो, आदिति, परीक्षा, हर्ष, जिज्ञासु, यस सर, सबको समझ में आ रहा है ना, यस सर, एवरीबॉडी इज गेटिंग, ये हमने कैलकुलेट किया अपने मेथड से, तो थ्री ई बाई फोर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो चेक करो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, ये कर लीजिए, या आपको कितना आ जाएगा, ओके सो ई की वैल्यू कितनी आ गई 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सर नीचे कर दीजिए है ना, 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, आ रहा बात समझ में, तो आने से एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, अदिति, परीक्षा, हर्ष, ई की, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ई की आ गई ना, यस सर, और तो ये n इक्वल टू वन में कितनी एनर्जी थी यहाँ पे, n इक्वल टू वन में माइनस ई थी ना, तो हम n इक्वल टू वन से इलेक्ट्रॉन को हटाओगे ना, ये कहलाती है एनर्जी, तो कितनी एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, हाँ रिपीट करना, अगर n इक्वल टू वन का जो फॉर्मूला, n इक्वल टू वन में कितनी एनर्जी दे रखी है इस समय हाइपोथेटिकल वाले की, माइनस ही दे रखी है, यस सर, तो यहीं से, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी में भेजोगे ना n इक्वल टू वन से, तो कितनी एनर्जी दोगे, प्लस 36 दोगे सर, प्लस, हाँ प्लस 36 देना पड़ेगा, तब वो कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, इसलिए क्या होगा आयन एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। बिल्कुल आप 11th के सभी, मैं कोई बिल्कुल, मुझे पेशेंस है 12th वालों को, मैं वैसे ही बोलने नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल भी यहाँ पे क्लास में है ना, उनको केवल एक रिवीजन दे रहा हूँ, 11th वाले स्टूडेंट के लिए डेफिनेटली चीजें डिफरेंट है, सो आई हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस कि मैं आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार समझा सकता हूँ, जब तक नहीं समझ में आए तब तक आप मुझसे समझोगे है ना, ये नहीं कि भले मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं क्लासरूम से कम कंटेंट या मैं क्लासरूम से आपको कमजोर कंटेंट दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना, आप पूरा समझिए, तो समझ में आया है तो ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा, अगर समझ में नहीं आया है तो 11th के कोई भी स्टूडेंट मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो ये वाला मेथड समझ तो आ गया, लेकिन सब पिछले वाले मेथड से ये आंसर आता है, पिछले वाले मेथड से क्या होगा दीदी, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, उसका क्या रीजन है, एक तो अपन ने 10.2 में अप्रोक्सीमेशन कर रखा है, फिर ये डिवीजन करेंगे यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, फिर ये रूट लोगे तो थोड़ा आएगा, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हो जाता है ना, इसमें क्या होंगे ऑप्शन वगैरह होंगे तो उससे अपने को पता चल जाएगा थोड़ा बहुत, मतलब यू कैन यू रीच टू क्लोज टू दैट है ना, आप उसके क्लोज पहुंच जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि कितना वैल्यू आएगा मैं आपको बताता हूँ कितना पहुंच जाएंगे आप। 2.64 जो आ रहा था अपना, 13.6 इंटू 2.64, यस इट इज 35.9 आ रहा है बेटा, है ना? Yes, sir. अगर हम यहाँ पे काम करेंगे तो वो समझ में आएगा ना मेरी बात, अप्रोक्सीमेशन क्यों हो गया, बिकॉज yes, ये जेड स्क्वायर की जब कैलकुलेशन किया ना थोड़े सा, एक तो 10.2 वैल्यू में अप्रोक्सीमेशन हो गया, वो भी अपन ने पूरी थोड़ी रखी है ना। yes, जब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाकी लोग भी सुन ले, जब आप जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 2.64 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 35.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज अप्रोक्सीमेटली 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात अलग है कि वहां पे हमें क्या मिल रहा है, हमें डायरेक्टली 36 मिल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया इस तरीके, ये तुम्हारे काम आएगा, आप चिंता मत करो, जितना ज्यादा आप सीखते जाओगे, जितना ज्यादा आप सीखते जाओगे उतना ज्यादा आप इस तरीके से क्वेश्चन को करने लगोगे, मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप क्या है, आपको ये वाला मेथड सबसे अच्छा लगेगा जितना आप सीखते जाओगे, और जितना आप कंसेप्ट में डरोगे उतना ज्यादा आप ये पहला वाला मेथड को यूज करोगे। अगर आपको डर लगता है और आपको क्लियरिटी नहीं है तो आप फर्स्ट मेथड यूज करोगे। मैं इतना टाइम दे रहा हूँ आपको, मैंने 30 मिनट के आसपास दिया मैंने इसमें, है ना, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कोई बात नहीं, आप इसको सीखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अरुण, तुम क्या क्या चाह रहे थे अरुण, बताओ अरुण। सर वो फॉर्मूला दिखा दीजिए, ये वाला। हाँ सर, हाँ देखो हो गया। तो बाकी 11th के स्टूडेंट मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, इसमें क्या आने वाला है, फिर इसके आंसर इसका ये बताओ मुझे। 11th के स्टूडेंट स्पेशली मुझे आंसर चाहिए, क्या टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका आंसर चाहिए मुझे। और 12th का कोई भी स्टूडेंट नहीं बोलेगा, केवल 11th के स्टूडेंट आंसर देंगे, 12th वाले केवल हैंड रेज कर देना अगर आंसर आ जाए तो। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये पूरा क्वेश्चन सामने है। टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है, इसकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है ना। सो व्हाट इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो ये 36/16 हो जाएगा। So n equal to 4 आपने देखा, और उस n equal to 4 में क्या होगा, टोटल एनर्जी कितनी दिखाई दे रही है, माइनस ई बाई 16 दिखाई दे रही है। सो व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी, कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ई बाई 16 आ जाएगा। और e की वैल्यू कितनी दे रखी है, उस पर 36 दे रखी है। सो पुट द 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हियर, यस सर, हाँ समझा, ठीक है। और 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर मैं वो ऊपर चला गया था, हाँ वो तुम लोगों ने गलत किया, तो कितना देगा, माइनस का 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ सर वही आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो गया मैच, हाँ मतलब वो जल्दी है। मैं चाहता हूँ कि आप चिंता, जितना मैंने बोला ना, आप जितना ज्यादा सीखोगे ना, जिस आप बिलीव करो, आप 12th तक आते आते क्या आप क्या करोगे, आप सिर्फ इसी मेथड से काम किया करोगे, मेरा बिलीव है, मतलब ये मान लीजिए। मैं तो हर साल ही पढ़ाता हूँ इसलिए मैं इतना सिखा रहा हूँ आपको, हर बार इसको आना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी आ गया, अब मुझे कोई बताएगा मेरी क्लास में टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, मुझे के ही चाहिए। नेगेटिव साइन किसका, माइनस तो टी टोटल एनर्जी, और टी कितना निकाला है, 9/4 माइनस 9/4, माइनस का 2.25 है ना, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस नो, यस सर। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आप कर लीजिए, है ना, ये आ जाएगा। What about potential energy? Potential energy और मुझे कोई relationship बता सकते हैं T वगैरह का, potential energy का relationship बताएंगे? 36 volts. What about potential energy? Potential energy का relationship T के साथ क्या होता है? Into 2. 2T होता है. और T कितना है अपना? -9/4. 4.5 हो जाएगा. तो minus का 4.5 electron volt हो जाएगा. Got it? Yes. Yes or no? बोलो।
यस सर। तो इस तरीके से आप कर पाओगे, है ना। तो अगर एनर्जी स्टेट पोटेंशियल ये सब कुछ क्लियर है तो एक एक अच्छा कंसेप्ट है वो सिखाना चाहूंगा, सिखाऊंगा। माइंड अगर तैयार हो तो बताओ, है ना। नींद नींद आ रही हो तो फिर नहीं सिखाऊंगा। माइंड तैयार है अच्छा चीज सीखने के लिए थोड़ा सा, या सुनो इस तरीके का। यस सर। सभी लोग रेडी? हां सर। तो चलो सीखो फिर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और उस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताएंगे कि हेडिंग में बाद में लिख दूंगा और आप भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा। अभी मैंने शायद लेक्चर में कवर नहीं किया है, किया होगा तो मैंने बाद में कहीं कवर किया होगा, अभी तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है मैंने कहाँ पे किया है। मैंने क्या सेम एनर्जी स्टेट के बारे में बताया हुआ है क्या, किसी ने लेक्चर देखे है? क्या ट्रांजिशन ऑफ सेम एनर्जी स्टेट? नो सर। नहीं सर। ट्रांजिशन ऑफ सेम एनर्जी स्टेट मुझे नोट्स में देख रहा हूँ, मुझे लगता है मैंने कहीं लेट बताया होगा, कोई बताया तो बताता तो, लेकिन नहीं होगा है? तो यहाँ पर क्या होगा, हेडिंग में बाद में लिखूंगा मैं आपसे, या मैं लिख देता हूँ चलो। ट्रांजिशन ऑफ सेम एनर्जी स्टेट, ट्रांजिशन ऑफ सेम एनर्जी है ना, ट्रांजिशन ऑफ सेम एनर्जी इन एच एटम एंड एच लाइक स्पीसीज। बड़ा बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये भी सीख जाओगे ना तो मान लो लाइट की स्पीड से क्वेश्चन करना सीख जाओगे, ठीक है। तो ट्रांजिशन ऑफ सेम एनर्जी इन एच एटम एंड एच लाइक स्पीसीज में क्या होगा, तो जो हमारा एच एटम होगा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप उसका जवाब दोगे फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू टू से एन इक्वल टू वन में आता है तो कितनी एनर्जी का फोटोन इमिट करता है? इमिट होगा, एब्जॉर्ब होगा, रिलीज होगा? रिलीज होगा। इस बात से आप एग्री करते हो कि रिलीज होगा, ओके। अब रिलीज होने के बाद आप ये भी एग्री करते हो कि कितनी एनर्जी का होगा, वो वैल्यू बता सकते हो मुझे कितनी एनर्जी का होगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, ठीक है। ये फोटोन आपको यहाँ से रिलीज होगा, ये किसमें रिलीज होगा, किसमें रिलीज होगा बोलो? फोटोन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में रिलीज होगा और किस स्पीसीज में रिलीज होगा? एच एंड एच लाइक ना, एच एटम में होगा बस, क्योंकि एन इक्वल टू से एन इक्वल टू वन का ट्रांजिशन एच ई प्लस आयन में कितने एनर्जी का स्टेट का होगा? इनटू 4 जेड स्क्वायर। अच्छा हाँ, तो कितना हो जाएगा? 40.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, हो जाएगा। Yes, मेरा ये क्वेश्चन नहीं था कि एच ई प्लस में जाके इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे आप ये बताएंगे कि जो एच ई है, एच ई प्लस आयन है जिसका जेड का वैल्यू 2 है, इसको हम लोग एच लाइक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है, इसमें 10.2 एनर्जी का ट्रांजिशन कब होगा? इलेक्ट्रॉन को मैं कहां से कहां भेजूं, कौन से एन से कौन से एन पे भेजूं कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इमिट हो जाए, ये क्वेश्चन है। अब जो हेडिंग लिखी है वो समझ में आ रहा है, ट्रांजिशन ऑफ सेम एनर्जी इन एच एटम एंड एच लाइक स्पीसीज। अगर एच एटम में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक ट्रांजिशन हुआ है तो एच ई प्लस आयन में वो कहां होगा? क्या वो एच ई प्लस आयन में भी यही होगा? क्या ऐसे लिख दूं क्या, क्या एच ई प्लस आयन में भी वो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ट्रांजिशन जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आएगा तब उतना ही में होगा क्या? नो सर, नहीं होगा ना, क्योंकि 2 से 1 में वहां कितना होगा? 40.8। हाँ, तो पहली बात तो गड़बड़ करना नहीं, वहां तो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको कोई और एन पे काम करना पड़ेगा, तो मुझे वो एन जानने हैं जब मुझे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इमिट होता हुआ नजर आएगा, वो एन जानना है। जी सर। मेरा क्वेश्चन समझ में आया पहले बताओ? यस सर। सबको 11th 12th सभी स्टूडेंट से मैं पूछ रहा हूँ इस समय। यस सर। यस सर। हाँ, सबको समझ में आया, ठीक है। तो अब जरा खोजने की कोशिश करो कि कब ऐसा कौन सा एनर्जी स्टेट है जहां पर एन इक्वल टू वन से एन इक्वल टू मतलब जो है ना ये एनर्जी स्टेट इस तरीके से होगा।
एच ई प्लस आयन जो होगा क्या होगा? कहाँ से कहाँ आना चाहिए? अच्छा एक काम करो, तुम लोग ये जानो ये 10.2 कैसे आया था, ये 10.2 कैसे आया था बोलो, तुमने कैसे कैलकुलेट किया था 10.2? 10.2 कैसे कैलकुलेट किया था? डिफरेंस किसका डिफरेंस? n equals to n equals to 2 का 2 में डिफरेंस, 2 में कितनी एनर्जी थी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे कैलकुलेट होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 4 से ये आती है जी सर. और n इक्वल टू 1 में कितनी एनर्जी थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 1. मतलब तुमको ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 4 और 13.6 डिवाइड बाय 1 अगर ये एनर्जी यही मिल जाए बस कहीं पे, कहाँ पे? हीलियम प्लस में. इनके बीच का डिफरेंस ही आपको क्या मिल जाएगा बोलो? इनके बीच का डिफरेंस ही आपको क्या देगा बोलो? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा. यस सर. देगा. अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखो टोटल एनर्जी का एच ई प्लस आयन में, वो होगा -Z² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई N² होगा. यस और नो? यस सर. यस सर. तो अगर मुझे एक एक कोई ना कोई एक ऐसा एनर्जी स्टेट बताओ जब यहाँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू मिल जाए तुमको एच ई प्लस आयन में, ऐसा कब होगा? टोटल एनर्जी की वैल्यू मुझे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, जेड कितना पुट करूं? जेड तो 2 ही होगा. जेड तो 2 ही होगा. तो एन कितना पुट कर दूं? 2. यस. तो एन को 2 पुट कर दो, जेड को 2 पुट कर दो, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल. कैंसिल हो जाएंगे. तो कितनी एनर्जी बचेगी? 13.6. तो एन इक्वल टू 2 उठा लो, जहां पे टोटल एनर्जी कितनी मिलने वाली है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एक तो ये मिल गया कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एन इक्वल टू 1 में एच एटम में है वो वास्तव में एच ई प्लस आयन में कहां मिलेगा देखने को? कहां मिलेगा देखने को? क्योंकि ये कंसेप्ट भारी है, मैंने पहले ही बोल दिया था, माइंड सही रखना. आ रहा है ना? आ गया. हर्ष आ गया. अदिति, हाँ ये क्या सबको आया ना समझ में? ऋषि सबको आ रहा है. ठीक है ठीक है, आगे समझ में. अब मुझे ये वाली कैलकुलेशन हो गई, समझ रहे हो ना? अब मुझे क्या चाहिए? ये तो हो गई ना 13.6 आ गया. तो एक तो मालूम चल गया इलेक्ट्रॉन कहाँ, एक एनर्जी स्टेट. यहाँ पे जो दो है ना अननोन लिख रहे हैं, इनमें से एक मालूम चल गया कौन सी कितनी वैल्यू आएगी? इन दोनों एन में से एक एन तो पता चल गया कौन सा आएगा. एक एन क्या है? उससे मुझे क्या मिल जाएगा? 3.4 मिल जाएगा. तो 13.6 डिवाइड बाई 4 कैसे आएगा इस फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में क्या चीज फिक्स है? जेड कितना है इसमें? 4 है. 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है ना, 4 हो जाएगा इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. अब ये जो n की वैल्यू ऐसी रखो कि डिनोमिनेटर में 4 आ जाए, 13.6 अपॉन 4 आ जाए. क्या लिख दो n की वैल्यू? 4 पुट कर दो. n की वैल्यू जब 4 पुट कर दोगे तो नीचे आएगा 4 × 4, एक 4 से एक 4 खत्म हो जाएगा. कितना आएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 4. ये कितनी वैल्यू आएगी? माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये एनर्जी आप समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा होगा? जी सर. कहां से कहां जा रहा होगा? समझे सर. कहां से जा रहा होगा? 2 से 4. 2 से 4 या 4 से 2? 4 से 2. एक ही चीज है सर. सर एक ही चीज है ना? एक ही चीज है. एक्चुअली बट अपन ने लिबरेट कर रखा है ना, इसलिए यहां पे हायर से लोअर लिखा हुआ है ना.
बात तो वैसे एक ही चीज था, लेकिन फिर भी हम क्यों, हम वो वाली मिस्टेक भी क्यों करें जब इतना इतना अच्छे से कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो हम वो भी क्यों मिस्टेक करेंगे। n इक्वल टू 4 से क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 हो जाएगा। समझे, क्या समझ में आया बताओ, रिपीट करो। मतलब ये समझा कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एच एटम में कब लिबरेट होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एच एटम में कब लिबरेट होता है ना, कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन n equals to 2 से 1 में आता है या 1 से 2 जाता है। यही ट्रांजिशन हीलियम Hb+ आयन में कब होगा, कितने एनर्जी का, जब वो 4 से 2 को आता है, जब वो 4 से 2 को आएगा। यस और नो? यस सर। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा यार, कितना सिंपल हो रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने ये, इसका जेड कितना था, एच एटम का जेड कितना था 1 और Hb+ का जेड कितना था 2। तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, तो मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। हाँ सर। हाँ, ट्रिक समझ में आ गई। हाँ सर। जी सर। गजब है सर। बोलो। यस सर। तो 2 मल्टीप्लाई जेड, और समझ लो आपको क्या करना है, जो सेम एनर्जी स्टेट होते हैं वो Z2 by Z1 टाइम्स मॉडिफाई होते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होंगे, Z2 by Z1 मतलब जहां पहुंचना है, कहां पहुंचना था हम लोगों को, किसके पास पहुंचना था, किसका आंसर बनाना था, Hb+ आयन का बनाना था, तो उसका होगा Z2। कितनी वैल्यू आएगी उसकी, 2 आएगी Z2। और जहां से स्टार्ट किया था, जिसका पता था, वो क्या था, 1, वो 1 था, एच एटम था, तो इसलिए क्या होगा, Z2 by Z1 की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो, Z2 by Z1 2 आएगी, 2 आएगी, 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर, हीलियम का कितना आ जाएगा, बोलो, 4 से 2 आ गया ना आंसर। हां सर। जी सर। हां, आपका आवाज आ नहीं आया, हर्ष आ गया ना समझ में, प्रेक्षा हाँ आ गया ना पक्का, यस तभी बोलना जब आया, नहीं तो ना बोल दो अभी, प्रेक्षा पक्का, तो फिर बताओ लिथियम प्लस डबल प्लस में, और कोई नहीं बोलेगा, आंसर केवल परीक्षा देंगे, और आप बताना है कि लिथियम डबल प्लस में यही 10.2 एनर्जी का फोटोन का जो होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन है, कब लिबरेट होगा, एन की वैल्यू बतानी है लिथियम के लिए, कहां से, किस एन से किस एन पे जाऊं सर, 6 से 3 में, 6 से 3 में जाए, वेरी गुड, क्लैपिंग हो गया आंसर, ठीक है आदिति, यस सर, टनाडन, यस सर, बिल्कुल, तो इसका जेड कितना था, इसका जेड कितना था, बोलो, 3 था, यस सर, ओके, तो अब एक काम करते हैं हम लोग, आपको अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एच एटम में, मेरे पास जो एच एटम है उसमें मेरे पास एक 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन लिबरेट होता है, और वो कहाँ से कहाँ होता है, वो n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में होता है, तो Hb+ आयन में ये कब होगा, ये सेम एनर्जी ट्रांजिशन कब होगा, इतनी ही एनर्जी का ट्रांजिशन 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ट्रांजिशन Hb+ आयन में कब होगा, बोलो भाई, yes, sir. और Li डबल प्लस में क्या होगा, 9 और 3, Li डबल प्लस आयन में क्या होगा, 9 और 3 हो जाएगा, ठीक है,
सो Li डबल प्लस आयन में क्या होने वाला है, जेड की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, तो n इक्वल टू इतना डेल्टा ई जो होगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन जो होगा वो n इक्वल टू 9 से n इक्वल टू 3 पे होगा। उस पक्ष समझ में आया? हाँ सर। पक्का? हाँ सर पक्का 100%। हाँ सर 100%। 100%। तो अब मैं कैसे पता करूँ 100%? अब मैं बताता हूँ। तो उसका पता करने का एक तरीका है कि मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल दूंगा और उस न्यूमेरिकल को अगर तुमने बता दिया, आंसर बता दिया, तो मामला 100% जो है ना वो सेम हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको एक ट्रांजिशन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, एक जो ट्रांजिशन जो है ना, तो यहाँ पे जो आपको मैं इसको जरा क्वेश्चन जरा कंस्ट्रक्ट कर दूं फिर मैं बता दूं, थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक अच्छा सा क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूँ। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेरे पास Hc प्लस आयन में एक ट्रांजिशन होता है डेल्टा ई बराबर 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ट्रांजिशन होता है और ये ट्रांजिशन होता है n इक्वल टू 8 से n इक्वल टू 4 के बीच में। ठीक है, ये दिया है मैंने आपको, आपको बताना ये है कि ये ट्रांजिशन H एटम में कब होगा और यही ट्रांजिशन लिथियम आयन में कब होगा। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे सर। सबसे क्या सभी से है क्या? हाँ सभी को करना है, सभी को करना है। सर H में ये होगा n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 तक। और लिथियम में होगा n इक्वल टू 12 से लेकर n इक्वल 6 तक। पुष्पक आपका आंसर। पुष्पक, हर्ष की आवाज नहीं आई है, ऋषि आवाज नहीं आ रही है, आपके भाई की आवाज तो आती नहीं है, शशि की वो क्या समझता है पता ही नहीं चलता है, वो है भी या नहीं है? सर है, है तू तो कभी बोलता ही नहीं है, उसकी तो मुझे आवाज भी नहीं पता कैसा है वो है, बाकी लोग तो आवाज में पहचानने भी लगा। एकांश यार तेरे को तो तेरा माइक एंड में बार बार एकांत समझ में आया नहीं आ रहा है, पूछ ही नहीं पाया मैं। देखो डिस्कनेक्ट हो जाता बार बार, आ गया समझ में, आ गया ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता मत कर, मैं इसको यूट्यूब पे डाल के तुमको लिंक भेज दूंगा, है ना? ठीक है, ओके सर। मैंने इसको रिकॉर्ड इसीलिए, मुझे पता था इट्स अ गुड लेक्चर सो आई हैव रिकॉर्डेड इट, और उसके बाद तो बताओ फिर आप ही बताओ आंसर। हर्ष का आंसर नहीं है, हर्ष नहीं है क्या? हूँ सर, एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ अदिति आया yes, sir. आ yes, गया sir. आ गया yes, sir. Okay, good. पुष्पक आपका आंसर नहीं है। किसके बारे में पता है तुमको इस समय? एची के बारे में पता है सर। और सेम एनर्जी ट्रांसफर कैसे मॉडिफाई किया थे, क्या मल्टीप्लाई करते हो? जेड स्क्वायर। नो 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 नो, फिर भूल गए, ये लिखा है क्या मल्टीप्लाई करते हो? Z2 by Z1। Z2 क्या होता है? वो सेक
जहां पे पहुंचना है उसका जेड टू, इधर से जिसकी इन्फॉर्मेशन पता था वो डिनोमीटर में आएगा। तो किस पे पहुंचना चाहते हो यहाँ से? लिथियम पे एच एटम पे? एच एटम पे। तो इसका जेड कितना है? वन। तो आपके जेड टू वन हो जाएगा। और जेड वन जिसके बारे में आपको पता था पहले से, वो कौन है? वो हीलियम है। आपके लिए जेड टू बाई जेड वन कितना आएगा? मुझे पता है लोग यही उल्टा करके आएंगे, इसका इतना समझाने के बावजूद आप गलत करके आओगे, मुझे पता है। अच्छा क्वेश्चन बना देंगे ना। सर तो सिंपली भी एच को एच ही में प्लस करना होता है तो इनटू टू कर दिया, और एच ही को एच में करना है तो डिवाइड कर दिया टू से। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी होता नहीं, बताऊंगा आपको। ये वन बाई टू हो जाएगा, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो जेड टू बाई जेड वन जो होगा वो क्या होगा? वो जेड टू बाई जेड वन जो होगा वो कितना? वन बाई टू होगा, यस और नो? यस सर। तो ये 1 बाई टू जो होगा वो 1 बाई टू इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? n इक्वल टू 4, ट्रे n इक्वल टू 2। ठीक है, जब आप इधर आने वाले हो, जब आप इधर जाने वाले हो तो z2 बाई z1 कितना होगा उस वक्त? यस सर। कितना होगा z2 बाई z1? z2 का मतलब z2 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? Z2 by Z1 किस में मल्टीप्लाई करोगे? H plus ion के, जो मालूम है ना तुमको, किसके ट्रांजिशन स्टेट मालूम है? ये H plus हीलियम के। हाँ, उसी उसके में, उसमें ही Z2 by Z1 मल्टीप्लाई करो। Z1 किसका रखा था आपने? हीलियम का ही तो रखा है, 2 डिवाइड किया है। जिसका जिसका डिनोमीटर में आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना है, और जिसका न्यूमीटर में आएगा वो उसका वैल्यू आ जाएगा एक्चुअली, है ना? Z2 मतलब जहां पे पहुंचना है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? Yes, sir. आपको लिथियम पे पहुंचना था, लिथियम डबल प्लस पे पहुंचना था, तो उसका Z2 डिवाइड बाई Z1 जहां से स्टार्ट किया। स्टार्ट कहां से किया? हीलियम से स्टार्ट किया। देखो एरो देखो ना, हीलियम से स्टार्ट कर लो। Yes, sir. आपको 3 बाई टू 8 में मल्टीप्लाई करना, 3 बाई टू 4 में मल्टीप्लाई करना है। सो n इक्वल टू 8 में तब 3 बाई टू मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 12 हो जाएगा। और n इक्वल टू 4 में जब 3 बाई 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। सो 12 से 6 हो जाएगा, यस और नो? यस सर। हाँ सर, समझे सर, मुझे समझ गया। ठीक है, हाँ सर। ओके, सो सर, हाँ सर, ये ऑड नंबर्स के लिए वैलिड थोड़ी होगा? ऑड नंबर के तो ना वैलिड होगा, बात तो वही है। वही तो सर, वो जो ये अति बोल रही थी ना कि सर 2 से मल्टी ऐसे कर दो। हाँ सर, वो हाँ, तो जैसे मान लो कोई एनर्जी स्टेट ट्रांजिशन मान लो ऐसे हो रहा है, अदिति समझना, n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 4 का एक ट्रांजिशन है बेटा, अदिति समझ रहे हो? यस सर। ये कहाँ पे हो रहा है? ये HE प्लस आयन में हो रहा है। अब इसमें जो भी एनर्जी स्टेट, जो भी एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, लेट से डेल्टा I की वैल्यू अपना नहीं कैलकुलेट करते, x मान लेते हैं। अब मैं कहता हूँ x इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन है वो h एटम में कब आएगा? यही वाला कब आएगा बता सकते हो मुझे? n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 4 में h प्लस आयन में जो फोटोन इमिट होगा उतनी ही एनर्जी का फोटोन h एटम में कब इमिट होगा? ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो दोबारा पूछ लो, दोबारा बोल सकता हूँ मैं। सर एमिटी नहीं होगा? हाँ, बाकी लोग 12th वाले नहीं बोलेंगे, 11th वाले बोलेंगे केवल आंसर। सर वो तो डेसिमल में आ रहा है। कौन सा डेसिमल में आ रहा है? यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करोगे? यदि क्या करोगे?
एक पुष्पक क्या करोगे यहाँ से यहाँ आने के लिए? डिवाइड बाय टू, टू बाय जेड वन कितना आ रहा है? तो आपको क्या करना है, आपको n equal to 5 में क्या मल्टीप्लाई करना है 1/2, कितनी आएगी? 2.5 आएगी। यस सर, डेसिमल। 2.5 जैसी कोई एनर्जी स्टेट नहीं होती, एनर्जी स्टेट 1, 2, 3 में, ठीक है ना, वो होल नंबर में ही आएगी। तो आप इसका आंसर, तो फिर क्वेश्चन हमेशा नहीं, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या लिखोगे आप? इसका आंसर ये लिखोगे कि n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 4 में जो ट्रांजिशन हुआ उसमें जो भी फोटोन इमिट हुआ है उस एनर्जी का फोटोन h एटम में इमिट ही नहीं होगा। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो सर ये भी तो वैसे हो सकता है सर, क्योंकि he प्लस में h से he प्लस में आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सर जाने के लिए वापस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को, n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 4। और ये चीज जैसे यहां से यहां जब जाना हो, मान लो इसमें हीलियम से लिथियम में जाना हो, तब क्या करोगे? तो सर h एटम को रेफरेंस ले लेंगे। तो पहले h पे जाना चाहते हो, तो h पे चले जाओ, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं भाई। आप पहले h पे चले, या मतलब आप दो काम करने पड़ेंगे। मान लो मैं तो यहां पे तुमको सब एक साथ सिखा रहा हूं, तुमसे अगर क्वेश्चन में केवल एच प्लस का आया और लिथियम डबल प्लस का पूछा तो क्या करोगे? पहले तुम एच पे जाओगे ना, यही कह रहे हो ना? यस सर। फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाओगे, यही वाली बात है ना? यस सर। तो तुमको दो काम करने पड़ेंगे ना? यस सर। पहले डिवाइड किया कितना 2, और बाद में 3 मल्टीप्लाई किया, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एक साथ ही 3/2 मल्टीप्लाई कर दो ना यहाँ। पहले एच ई प्लस से एच ई में जाने के लिए क्या करोगे? एच ई प्लस से एच एटम में जाने के लिए क्या करोगे? डिवाइड कर दिया दोनों एन को 2 से, 2 से डिवाइड कर दिया। फिर एच एटम से यहाँ जाने के लिए क्या करोगे? इनटू 3 कर दिया दोनों को। तो फिर एक साथ ही कर दो ना 3/2, बाद में सीधा सीधा क्या प्रॉब्लम है? जेड टू जेड वन ही कर दो ना यार, ये कह रहा हूँ मैं। ओके, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो उससे भी जाएगा जब तुम सीख जाओगे ना, तुम कैसे भी करो, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं तो आपको सबसे सिंपलेस्ट वे में भी पहचान ले जाना चाहूंगा ना, उसके बाद आप कुछ अगर अपने हिसाब से देखना, जो स्ट्राइक कर जाए वो कर लेना यार, एग्जाम में कोई समस्या नहीं, कर लोगे ना, कॉन्फिडेंट हो। यस सर। है ना, तो ये yes, और ये sir. तो अगर मैं एक ऐसा स्टेटमेंट दूं कि वी कैन फाइंड एवरी एनर्जी फोटोन इन एच ई प्लस, एच एटम का जो जितने भी फोटोन्स होंगे ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम, whatever be the energy of photon liberated, all of them are found to be in He plus ion. Yes or no? Yes, H atom में, H atom में कोई भी energy का photon liberate हो, वो सभी energy के photon कहाँ पाए जाएंगे? He plus ion में पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे? Yes or no? हाँ sir, पाए जाएंगे। और reverse true है क्या? क्या एच ई प्लस आयन में जो ट्रांजिशन होंगे वो सभी ट्रांजिशन एच एटम में एग्जिस्ट करेंगे क्या? मे बी मे नॉट बी है एक तरह से, क्योंकि जैसे ये आपके सामने ट्रांजिशन लिखा है n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 4 में, फोटोन ऊपर से नीचे आया, फोटोन की एनर्जी लिबरेट हुई जी सर, तो वो एनर्जी का फोटोन एच एटम में नहीं मिलेगा, वो एनर्जी का फोटोन आपको एल आई डबल प्लस में भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां जाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे? 3/2, और 2 फिर भी डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। लेकिन एच एटम के ट्रांजिशन, एच एटम के सभी ट्रांजिशन, क्योंकि यहां से यहां जाने के लिए क्या करना होता है, Z2/Z1 में क्या आएगा? डिवाइड बाई 1 आएगा, है ना? तो ये डिनोमीटर में 1 डिवाइड होगा, यहां से यहां जाने के लिए क्या होगा, डिनोमीटर में 1 आएगा। तो एच एटम के सभी ट्रांजिशन एच ई प्लस में पाए जाते हैं, एच एटम के सभी ट्रांजिशन लिथियम प्लस डबल प्लस में भी पाए जाएंगे, एच एटम के सभी ट्रांजिशन बेरियम 3 प्लस में भी पाए जाएंगे, एच एटम के सभी ट्रांजिशन बोरॉन 4 प्लस में भी पाए जाएंगे, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है। एच एटम के सभी ट्रांजिशन हीलियम, लिथियम, बेरियम सब जगह मिलेंगे, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। यस सर। हां अरुण बोलो, क्या डाउट है सर? हीलियम के बोरॉन में मिल जाएंगे? हीलियम के बेरिलियम में, हीलियम के बेरिलियम में, बेरिलियम के हीलियम से बेरिलियम में जाओगे तो कितना डिवाइड होगा? 2।
4/2 मल्टी हाँ मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिल जाएंगे। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है। और जो है ना, और आपको एच ई प्लस आयन का जो है ना जेड कितना है बोलो, 2। और बेरिलियम का कितना है बोलो, 4 जेड का वैल्यू। तो जेड 2/Z1 क्या आएगा, 4/2 आ जाएगा। तो 2 तो मल्टीप्लाई करते जाओ हीलियम में, कहीं भी मल्टीप्लाई करना जैसे आप जैसे मान लो उसमें आओगे, इससे आ जाओगे Z2/Z1, मतलब लिथियम से इसमें आना चाहो, जैसे कोई कहे कि सर मैं लिथियम पे हूँ, डबल प्लस पे Z3 है, और इससे मैं हीलियम पे जाना चाहता हूँ, तो जेड कितना 2 है, तो Z2/Z1 कितना आएगा इसके केस में, 2/3। तो 3 का जो 3 से डिविजिबल होंगे वो वाले एनर्जी स्टेट एडजस्ट करेंगे, देख लेना समझ में आ जाएगा वो तो आपको। यस सर, है ना। तो आप Z2/Z1 करके देख लेना, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कौन किस में एडजस्ट करता है, कैसे होगा। तो ट्रांजिशन मैंने आपको पहले ही बोला हुआ कि ट्रांजिशन का बहुत ही बेसिक नॉलेज जो है ना, ट्रांजिशन का बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। और पिछले 2 क्लास में हमारा यही सब डिस्कशन चला है कि किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, तो ये पूरा डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ है इस वाले क्लास में। ट्रांजिशन का हमने बेसिक आइडिया जो है ना वो लगाया है, कंप्लीट हुआ कि नहीं बोलो। तो इस एनर्जी स्टेट के बारे में समझ में आ गया, ये जो डेटा मैंने आपको दिया है वो समझ में आ गया सारा कुछ। डिफरेंसेस याद हो गए आपको, डेफिनेशंस याद हो गए, याननेस एनर्जी पता चल गई, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, डिफरेंसेस कैसे मॉडिफाई होते हैं, सेम एनर्जी के ट्रांजिशन में क्या करते हैं, ठीक है ना, एच एटम का एच ई प्लस में जाना है तो क्या करेंगे, एच ई प्लस से लिथियम प्लस डबल प्लस में जाना तो क्या करेंगे। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स अगर हमें सब कुछ अच्छे से पता है तो अब हमसे एग्जामिनर बच के कहाँ जाएगा, कहीं भी कुछ भी कहीं भी ले जाए हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। और बड़े अच्छे और बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर जेई वगैरह में, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने बनाए भी है, है ना। एक बार हमने चैलेंज भी किया था रेजोनेंस में कि भाई जो है ना कि हम आपको टॉपर्स थे कि हम आपको 10 क्वेश्चन बना के देंगे और एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, हम आपको 10 क्वेश्चन बना के देंगे और आप एक भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ नहीं, एक दो तो कर लिए थे लेकिन मतलब अच्छे बना के दिए थे क्वेश्चन जो है ना, शानदार तरीके से मजा आ गया था मतलब। हाँ वो क्वेश्चंस जो है ना है मेरे पास, तो मैं 1-1 आपको एक करके आपको कराता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरीके से जो है ना एक एक करके मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। और आपको, आप जब देखोगे ना क्वेश्चंस को तो आपको लगेगा कि हाँ यार जो क्वेश्चंस हैं वो वास्तव में फ्रेम्ड क्वेश्चंस हैं, काफी अच्छे तरीके से चीजों को बनाया गया है, ओके। वो क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे। सो इट्स अ रियल प्रिपरेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि जो है ना, मतलब पूरा अपन एडवांस तक का पूरा लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक से बेसिक को सेक्रीफाइस भी नहीं कर रहे हैं ना, विदाउट सेक्रीफाइसिंग द बेसिक हम लोग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। और जो हमारे 11th के जितने स्टूडेंट हैं उनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्वाइट क्लियरिंग होने वाला है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन लास्ट हमारा और है, और वो हम लोग और कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्लास को यहाँ पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास का, नेक्स्ट क्लास किसी का भी मिस नहीं होना चाहिए। ये जो क्लास होगा वो स्पेक्ट्रम पे क्लास होगा, पूरा स्पेक्ट्रम के बारे में समझाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि उसको आप देख कर भी आओ और यहाँ पे भी पढ़ो। सेम चीज पढ़ाऊंगा, है सेम चीज, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 2 बार समझानी तो पड़ती है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन है, मैंने वैसे पहले मैंने बोर्ड लेक्चर में करा रखा होगा, बोर्ड पे करा रखा होगा तुम लोगों को, रिकॉर्ड लेक्चर में दे रखा है पहले से, हो सकता है तुम लोग देख कर भी आए हो। तो यहाँ पे है एनर्जी नीडेड टू remove both electron from He atom is 84.4 electron volt. Find first and second ionization energy.
एनर्जी बिल्कुल ऑफ एच ई एटम क्या था आदिति पढ़ क्या है सर देखा था समझ में नहीं आया देखा था समझ में नहीं आया इसीलिए तुम लोग को 11th वालों को इसलिए मैं करा देता हूं भले ही मैंने बता रखा है लेकिन आपको मैं सभी क्वेश्चंस कोशिश करता हूं मैं करा दूं आपको हाँ जी बोलो तो पहली बात तो आपको स्पेशली जो 11th के स्टूडेंट है उनको फर्स्ट और सेकेंड एनर्जी क्लियर है कि पता है क्या फर्स्ट एंड सेकेंड एनर्जी छोड़ गया यहाँ पे एनर्जी भी लिख देना निकाल दो हाँ वो बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की डेफिनेशन है ना वही जो आयनाइज एनर्जी ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं ना क्योंकि हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम लोग कब तक पढ़ेंगे यार हमें तो डील करना पड़ेगा सोडियम पोटेशियम है जिंक है कॉपर है तो हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे डील करेंगे हमारी ये लिमिटेशन है कि हमारी जितनी थ्योरी डेवलप हुई है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डेवलप की गई उसके बाद हमने उस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ट्रांसफर किया है वो ट्रांसफर मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को कैसे हम इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम से मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे जाएंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांजिशन होगा हमारा वहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कॉन्सेप्ट को मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कन्वर्ट करने का आप देखिएगा हमको आपको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे मैं भी ले जाऊंगा तो अल्टीमेटली हाँ अगर यहाँ पे हीलियम नहीं होता कार्बन होता या हाँ, कुछ और होता कुछ भी होता तो इलेक्ट्रॉन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन समझना बाकी लोग भी समझ ले मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जहाँ पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी में ग्राउंड स्टेट वाली डेफिनेशन नहीं है क्या पेन इक्वल टू 1 से निकालो है ना सबसे जो दूर इलेक्ट्रॉन होगा सबसे बाहरी डॉट कॉल वैलेंस है इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन निकलता है सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको हम निकालते हैं एटम से सबसे इलेक्ट्रॉन से सबसे जो न्यूक्लियस है सबसे ज्यादा दूरी पर होगा जहां न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होगा उस इलेक्ट्रॉन हाँ सर यही था सर तो ऐसे कैसे पता चलेगा सर किसका अभी आएंगे ना अभी अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन अभी सिंगल पे है अभी मल्टी पे आएंगे सिखा देंगे सिंगल सीख लिया ना आपने इसमें तो कॉन्फिडेंट होना अभी जब से शुरुआत किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में तब क्या पता था और इस समय तक क्या पता है काफी कुछ पता चल गया yes, sir. सीख लिया ना कोई दिक्कत तो नहीं ना है ना तो वो भी सिखा देंगे आपको है ना तो आई वन जो होता है वो क्या होता है एच ई एटम जो होगा है ना एच ई एटम से जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हो फर्स्ट जैसे पहला विकेट जब गिरता है ना तो वो आई वन कहलाता है फर्स्ट आयनाइज एनर्जी कहलाता है उसके बाद जब एक प्लस चार्ज आ जाता है उसके बाद है ना जब एक विकेट गिर जाता है उसके बाद जब आप दूसरा विकेट गिरा देते हो या इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो वो आई टू कहलाता है समझना दो इलेक्ट्रॉन निकालना और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है डिफरेंस है दो इलेक्ट्रॉन निकालना और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगा देयर इज अ डिफरेंस ठीक है तो ये क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है पढ़ो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन इसका क्या मतलब है ये आई वन बता रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन ये आई टू बता रहा है दोनों के लिए बता रहा है दोनों के लिए बता रहा है दोनों के लिए बता रहा है तो दोनों के लिए कैसे आएगा पहले के लिए कितना निकला लगा आई वन दूसरे के लिए कितना लगा बोलो आई टू तो दोनों के लिए कितना लगा आई वन प्लस आई टू हाँ तो डेल्टा टोटल दिया हुआ था आपको कितना दिया था I1 plus I2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 84.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां तक अगर नहीं कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो बोलो पहले कोई बात ना समझ आ गई ना पक्का सर मुझे नहीं समझ भाई पहला इलेक्ट्रॉन जो निकला वो किससे निकला न्यूट्रल एटम से निकलेगा ना उस पर हां सर तो जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जैसे हमारी टीम क्रिकेट टीम में जो पहला विकेट गिरता है वो I1 कहलाता है ना फर्स्ट मतलब किसी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना न्यूट्रल एटम से हम उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइज एनर्जी क्या बोलते हैं फर्स्ट आई वन है ना आई मतलब आयनाइज एनर्जी और वन मतलब फर्स्ट जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा प्लस वन आ जाएगा तो प्लस वन के बाद आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब एक इलेक्ट्रॉन आप और निकालोगे तो कितने चार्ज आ जाएंगे प्लस टू आ जाएंगे वो आई टू हो जाएगा ये जो है ना अगर आपका फोकस केवल ओनली टू पे है ओनली टू पर तो आप क्या बोलोगे जो सेकेंड रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है मैं आपको देता हूँ लैंग्वेज आप बताना
कि सेकंड जो रिएक्शन है वो उसमें है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? दूसरा निकल रहा है। तुमसे नहीं पूछा था, सॉरी। पुष्पक सेकंड रिएक्शन में, सेकंड रिएक्शन जो लिखी हुई है उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन इलिमिनेट कर रहे हो या दो इलेक्ट्रॉन इलिमिनेट कर रहे हो? दो इलेक्ट्रॉन इलिमिनेट, दो नहीं आए, दूसरा हो रहा है। एक ही तो आ रहा है, यहाँ तो दो होता तो दो इलेक्ट्रॉन लिखे, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लिखे? बराबर एक ही आ रहा है ना, तो फिर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन इलिमिनेट किया है। और पहले वाली रिएक्शन में क्या किया है, फर्स्ट में क्या किया है? तो फर्स्ट में एक ही निकला है, फर्स्ट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला, सेकंड में सेकंड, और दोनों को मिला के। हाँ सर, समझा सर। समझा, तो दोनों को मिला के दोनों निकल, दो निकल गए। और इसने दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पढ़ो क्या, बोथ इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखी है, कितनी दे रखी है, 84.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसमें से एक आपको पता है, कौन सी पता है आपको, I1 पता है, I2 पता है, एक आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद से, जिसने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा है वो I1 और I2 में से एक कैलकुलेट कर सकता है, जिसने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा है वो I1 I2 में से एक कैलकुलेट कर सकता है। क्या कैलकुलेट कर सकता है वो, I1 कैलकुलेट कर सकता है या I2 कैलकुलेट कर सकता है? 11th के स्टूडेंट ही आंसर दे सकते हैं, 12th के स्टूडेंट को अलाउड नहीं है बोलना, दे कैन ओनली रेज द हैंड। बोर एटॉमिक मॉडल किसके लिए वैलिड है, मैं हिंट दे रहा हूं, प्रेक्षा ये सही कह रही है क्या अदिति? प्रेक्षा आवाज आ रही है? हर्ष सर, ये अदिति ने जो बोला है कि H प्लस आयन H लाइक, बार बार हैंग हो रहा है सो। अच्छा, H प्लस आयन जो है ना, H प्लस आयन जो है ना वो क्या होगा, ये ठीक आ रहा है क्या, H प्लस आयन जो है ना वो, ये सही है क्या, H प्लस आयन जो है ना वो H लाइक स्पीसीज है? यस सर। हां यस सर, ठीक है। उस पर आपको समझ में आ रहा है H प्लस आयन H लाइक स्पीसीज है? हां सर। और उसका जेड कितना है? 2। और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है, 1 है। तो उसको जब आप इलिमिनेट करोगे तो क्या कहलाएगा वो, आयनाइज एनर्जी कहलाएगा नहीं कहलाएगा? हां सर। H लाइक स्पीसीज की आयनाइज एनर्जी कैसे निकलती है? H लाइक स्पीसीज की आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकलती है? पहले किसका देखते हो तुम लोग, पहले किसका देखते हो? एकांश, पहले किसका देखते हैं, पहले H का देखेंगे, H का कितना आएगा? 13.6 आएगा। तो H लाइक का कितना आ जाएगा? इनटू Z स्क्वायर, ठीक है। और जेड कितना है? 2। तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो आपको I2 मिल जाएगा, बिकॉज ये जो बन गया है ना, ये H लाइक बन गया, समझो, ये H लाइक बन गया है। तो जो जब ये H लाइक बन गया, तो I2 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जेड स्क्वायर, that become 13.6 electron volt into 4, that become 54.4 electron volt. क्योंकि I2 आपको पता चल जाएगा, कहां से पता चल गया, I2 आपको पता चल गया, कहां से पता चल गया I2 आपको, हाँ, वो कहां से पता चल गया, वो पता चल गया आपको, किससे पता चल गया बोलो, वो आपको बोर मॉडल की जो नॉलेज आपने गेन की अभी है ना, एक दो लेक्चर में, उससे आपको पता चल गया। उस पर क्लियर हुआ? हाँ सर, समझे, समझ में आ गया। अदिति, प्रेक्षा, हर्ष, एकांश,
एक चीज समझ में आया ना कि हम I2 कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी में I2 कैलकुलेट करना है, क्यों? क्योंकि I2 एक H like species से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था और इसका जेड कितना था, वन था, जेड कितना टू था, अभी तो किया आपने बहुत सारा एच प्लस पे काम तो किया है इतना सारा। सर हाँ, अगर लिथियम होता तो ऐसी थ्री रिएक्शंस बन जाती। हाँ, तो थर्ड की तुम जान पाते, फर्स्ट और सेकंड नहीं जान पाते तुम, थर्ड की जान पाते, थर्ड ही निकाल सकते थे क्योंकि दो तक तो वो बना ही नहीं था एच लाइक। यस सर, जब तक एच लाइक नहीं बनेगा तब तक आप, हाँ तब तक आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड इसका नहीं लगा सकते आप। तो फिर लिथियम डबल प्लस की आयनाइजेशन, सर मतलब जब तक एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ जब एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तभी एच लाइक बनेगा, तभी आप ये फॉर्मूला लगा देना, कौन सा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जेड स्क्वायर तभी लगा पाओगे। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। यस सर। तो सर लिथियम 2 प्लस सेकंड इक्वेशन में डालते हैं। हाँ, थर्ड तीन इक्वेशन, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर दो निकलेंगे, तो तुमको I1 नहीं पता चलेगा, तुमको I2 नहीं पता चलेगा, तुमको सीधा सीधा कौन पता चलेगा, I3 पता चलेगा। I2 दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तीसरा निकालोगे जब दो निकल जाएंगे समझे, yes, तो जाके एच लाइक बनेगा ना, दो निकलेंगे तब एल आई डबल प्लस बनेगा, अब इसके पास एक बचा है, तो वो जो आखिरी वाला निकालोगे ना सेकेंड इक्वेशन में डालते, थर्ड में डाल दो। हाँ ठीक है, तो एग्जामिनर को इसको ये बताने पड़ेंगे तुमको I1 I2, तब I3 तो मिल जाएगा, इन दोनों में से एक बताना पड़ेगा तो आप तीसरा कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? यस सर। तो आप बता दो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, I2 निकाल दिया अपन ने, तो क्या लिखोगे, I1 प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट I2 की जगह पे और 84.4 प्लस टू से प्लस थ्री में ले जाते समय डाल दोगे। यस सर। वो लिथियम से लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन, ये पहली इक्वेशन, ये होगी आपकी I1। लिथियम प्लस के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये I2, ये दूसरी इक्वेशन, फिर तीसरी इक्वेशन जो होगी क्या होगी, Li डबल प्लस से Li ट्रिपल प्लस में जाओगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा I3। किसकी वैल्यू पता है तुमको? किसकी वैल्यू पता है? बीच वाली इक्वेशन की। अरे अभी भी वही अटके हुए हैं, कल सब समझ ही नहीं पा रहा। बीच वाली इक्वेशन में किससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो? Li प्लस। वो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है Li प्लस के पास? ओके, तो फिर इस पे लगा सकते हो या एटम के? नहीं सर। फिर इस पे बॉन्ड लगेगा, किसके पे लगेगा? थर्ड पे लगेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, वो भी जब निकाल दोगे ना I3 पता चलेगा कितना आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जेड स्क्वायर। नहीं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू 9 कितना हो जाएगा, प्लस का 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया समझ में? यस सर। पुष्पक समझ में आया? पुष्पक चलेगा, ठीक है हर्ष, आ रहा समझ में? यस सर। अथर्व, अथर्व आया समझ में? नहीं आया? एटॉमिक रिवाइज हो गया पूरा, परीक्षा ठीक है, डन, यहाँ पे खत्म करें। यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास बढ़िया से खत्म हो गई, अच्छा है, बहुत अच्छा क्लास था आज का, और इट्स अ वेरी गुड क्लास। अब जिस पे ये जो मैंने आज सिखाया है ना, ये मान लीजिए कि आपको इसी लेक्चर को, मैं इसको रिकॉर्ड भी किया है तो मैं आपको इसको भी मैं इसको भी दे दूंगा, वहाँ पे वेबसाइट पे पुट कर दूंगा और यूट्यूब पे भी पुट कर दूंगा, दोनों जगह रहेगा ये। तो ऊपर हमने IE2 की वैल्यू निकाली थी या IE1 की? IE2 की निकालो, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन किसके पास बचा था, पहले वाले का, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा था उसी के निकाल सकते, उसी पे बोर्ड मॉडल लग सकता है। ठीक है,
ये मैं आपको देता हूँ, और इस लेक्चर को बार बार रिवाइज करना है, इसी ये लेक्चर ही आपका बैकबोन रहेगा स्पेक्ट्रम वगैरह में, बाकी जो अच्छे क्वेश्चन करने के लिए बैकबोन रहेगा। बाकी लोग बाकी लपेटे में क्वेश्चन करते हैं, दो चार फॉर्मूले कर लेते हैं, कैसे कैसे सर स्क्रीन नीचे कर दीजिए एक बार, तो कैसे कर लेते हैं उसका पता नहीं, लेकिन क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन डीप नॉलेज के लिए, डीप रूट करने के नॉलेज के लिए ये सब कॉन्सेप्ट की जरूरत है ना, कॉन्सेप्ट के पिलर अगर खड़े करने तो इस चीज की जरूरत रहेगी। सेकंड इक्वेशन में भी तो Li2+ है, कौन सेकंड इक्वेशन में Li2 में इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बनाया ना, इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब दोगे, जब इलेक्ट्रॉन पहले जब इलेक्ट्रॉन थे उसके पास तब दोगे ना एनर्जी, तब लगेगा, तब लगेगा, ठीक है सर। हां सर, जो अभी ये लास्ट वाला एग्जांपल करा है लिथियम वाला सर, इसमें जो सेकंड वाला है तो लिथियम के पास अभी भी दो इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। हाँ तो इसमें अब जैसे हम लोग को सिर्फ IE3 मालूम है, तो अब IE1 और IE2 दो अननोन हो जाएंगे और एक इक्वेशन होगी, तो कैसे सॉल्व होगा? तो दो तो अच्छा कैसे सॉल्व होगा, तो देना पड़ेगा एग्जामिनर को, बेवकूफ थोड़ी ना, कुछ ना कुछ हिंट देगा, तो सर देगा ना वो, और क्या बताएगा, कुछ ना कुछ तभी तो करेगा, बता देगा इसका कि I1 कितना टोटल बता देगा, और क्या है ना। यस सर, ऐसा थोड़ी ना करेगा कि तुम मतलब अंतर्यामी थोड़ी ना हम लोग, की सब कुछ जान जाएंगे एकदम से, वो तो जो जो बेसिक प्रिंसिपल है साइंस के वो तो फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे एग्जामिनर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, मैं उतने जितने अननोन है उतने तो चीजें देनी पड़ेंगी ना, समझ रहे ना। IE2 पता क्यों होना चाहिए जब तुम कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं सर, IE2 पता होना चाहिए था, IE1 निकालना चाहिए था, तो निकाल तो दिया I2 पता किया ना, 54.4 I1 निकाला है हमने, I1 निकाला, I2 भी पता ही तो किया है उसने, तो उसने कहां बताया शुरुआत में आपको, उसने बताया था I2 तो आप ही ने कहा 13 पॉइंट आपके इंट्यूशन के लिए। हां सर, आपका इंट्यूशन बना है तभी तो जाके आपने किया है इसमें काम। यस सर, अगर कोई स्टूडेंट समझ ही ना पाए कि H+ जो बना है वो H-like बना है, उसका मैं I2 कैलकुलेट खुद कर सकता हूं, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, वो कहेगा लो सर I1 भी अननोन I2 भी अननोन, मैं कैसे सॉल्व करूं, समझे? वो तो ये बोलेगा I1 plus I2 equal to 84.4 है, तो कहेगा सर ना तो I1 पता है ना I2 पता है, वो देख ही रहा है कि I2 कैलकुलेट किया जा सकता है, समझे ना। yes, sir. वो चीज है, तो अगर कोई स्टक कर गया बीच में, उसको नहीं स्ट्राइक किया कि H+ आयन जो है ना वो H like species बन गया है, और H like species का H atom की मदद से आनेस एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है, तो वो तो समस्या में आ जाएगा, वो कहेगा मुझे दो अननोन दे दिए हैं, बट एक्चुअली दिया एक, देखा जाए तो आपको एक ही अननोन दिया गया। अति प्रेक्षा, yes, हर्ष, एकांश, ठीक है, जिज्ञासु, पुष्पक, डिस्कशन समझ में आया जो हमारा चल रहा है अभी? यस सर, हां सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, मजा आ गया, ठीक है। यस सर, सर आगे और भी मजा आ रहा है। हाँ आएगा ना, बिल्कुल आएगा, अभी मतलब अभी जैसे जैसे मैं इसको बनाता जा रहा हूँ, बेस बनाता जा रहा हूँ, जब न्यूमेरिकल मैं करूंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, है ना सर। पहला स्पेक्ट्रम वाला बहुत मजा आया, स्पेक्ट्रम वाला ना, वो वाला, यस सर, फर्स्ट वाला ना, कौन सा, वो लाइमन सीरीज वगैरह वाला ना, अभी आता हूँ, बस नेक्स्ट क्लास में आने वाला हूँ, वहां से तुम देखते जाओ, मजा आना चालू हो जाएगा, ठीक है। लाइमन बावर पास्टन जिस दिन पढ़ा दूंगा ना, उस दिन तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना एकदम मेरे तो आधा ही समझ में आया, वो आधा नहीं आया। कोई बात नहीं, किसका अच्छा वीडियो ना, हाँ मैं मुझे रिमाइंड कर देना वेबसाइट पे, ऐप पे, तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो डाल दूंगा सबको, जिसके पास एटॉमिक के वीडियो नहीं है वो एटॉमिक के वीडियो ले ले, पुष्पक आप भी ले लो वीडियो, यार तुमने डाउनलोड नहीं किया है वो, क्या पुष्पक? हाँ सर किया है, डाउनलोड है, मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया गया? हाँ सर किया ना, तो मुझे मैसेज तो नहीं किया तुमने? और तो तुम उसके जो लेक्चर वीडियो लेक्चर वो देख के आना, ठीक है।